हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक MI का नोट 5 सेट रिपेयर के लिए आया हुआ है, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम आ रही है। इसके अंदर कोई भी सिम कार्ड काम नहीं कर रहा है, और ये जो मोबाइल है वो गिरने की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को फ्रेंड मिल रही है। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, ये मोबाइल ऑलरेडी पहले किसी टेक्नीशियन के पास गया हुआ था, जैसा कि मैंने इस सेट को ओपन किया। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो कंप्लीट देखिए। आज के इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप इसकी जो प्रॉब्लम है सिंपली किस तरीके से फाइंड करते हैं, और किस तरीके से इसकी जो प्रॉब्लम है उसको हम चेक करेंगे कहाँ से ये प्रॉब्लम हमारी आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड, इसको हम ऑन करते हैं। तो फिलहाल इनकी बैटरी डाउन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इनको निकाल देते हैं। और यहाँ पे देखो फ्रेंड, इसके अंदर सिम कार्ड मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, जो कि हमारा एयरटेल का सिम कार्ड है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। और लगाने के बाद सेट को फिलहाल पहले हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बूट केबल लगा दिया है, और उसके बाद यहाँ पे हम सेट को क्या करते हैं, सिंपली फ्रेंड सेट को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने सेट को ऑन किया फ्रेंड, तो चलो हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सेट को कंप्लीट ऑन होने का। तो सिंपली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो, सेट हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है फाइनली। ठीक है, तो अभी इसके अंदर देखो यहाँ पे कि सिम कार्ड हमारा नहीं ले रहा है। इसके ऊपर देख सकते हो यहाँ पे ये कट का निशान बना हुआ है, और यहाँ पे इमरजेंसी कॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है फ्रेंड, इसका हम जो है वो IMEI नंबर को चेक करेंगे कि फ़ोन के अंदर IMEI नंबर है या फिर नहीं है। तो यहाँ से हम पहले IMEI नंबर चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, IMEI नंबर है फ़ोन के अंदर, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ओके करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम चलते हैं सेटिंग के अंदर फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप फ़ोन को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अबाउट फ़ोन के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऑल स्पेस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे बेसमेंट भी यहाँ पे देख सकते हो, बेसमेंट वर्जन भी हमारे यहाँ पे शो हो रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, इसके अंदर मैंने सिम कार्ड लगाया हुआ है, बट यहाँ पे जो सिम कार्ड का होता है वहाँ पे एक कट बना हुआ है। और अगर हम सिम कार्ड को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, तो देखो यहाँ पे सिम कार्ड मैंने लगाया हुआ है। तो देखो ये सिम कार्ड लगाया हुआ है मैंने, और इसी सिम कार्ड को एक बार हम इसके ये दूसरे, मतलब जो ये वन वाला सिम कार्ड है उस पर भी लगा देते हैं। और एक बार लगाने के बाद यहाँ पे जो इसको हम फिर से इसके अंदर लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो मैंने इसको लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया, और लगाने के बाद अभी भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर सिम कार्ड नहीं लिया, और यहाँ पर एक कट का निशान बना हुआ है। इसको लॉक स्क्रीन कर देते हैं, तो देखो यहाँ पर इमरजेंसी कॉल है, यहाँ पर हमारा जो निशान है वो कट का बना हुआ है फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड इसको सिंपली जो है अभी हम ऑफ़ करते हैं, और ऑफ़ करने के बाद मदरबोर्ड को ओपन करेंगे, और इसकी क्या प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम जो वो क्यों हो रही है फ़ोन के अंदर, इंसर्ट सिम की दिक्कत क्यों आ रही है, उसको हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल पहले यहाँ पे मैंने देखो सिम कार्ड को बाहर मैंने निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं हम, और उसके बाद सेट को फिलहाल यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये हमारा सेट है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया हुआ है। और फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो कि सिम कार्ड के ऊपर यहाँ पे भी देख सकते हो कि IC वगैरह पे यहाँ पे हिट जो है वो लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड। ठीक है, देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे किसी ने हिट वगैरह पे इस पे दिया हुआ, और काम ऑलरेडी पहले किया हुआ है इसके ऊपर। तो हम लोग इसका जो है वो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, वो एस्मेटिक के थ्रू चेक करेंगे फ्रेंड कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी जो है मतलब इंसर्ट सिम हो रही है। पहले हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इनको। तो देखो मैंने इनको थोड़ा सा लिक्विड की मदद से क्लीन कर दिया है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ये सिम ट्रे है, और सिम ट्रे की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो देखो यहाँ पे भी किसी ने रजिस्टर पे काम किया हुआ है। अगर सिम की प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आपको मालूम है सबसे पहले क्या चेक करना है। तो यहाँ पे देखो ये सिम ट्रे है, और इस पे जो हमारी लाइन वगैरह है उनको हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो लाइन को चेक करने के लिए सबसे पहले हम एस्मेटिक को ऑन कर लेते हैं, और एस्मेटिक को ऑन करने के बाद हम आपको एस्मेटिक के अंदर जो है वो आपको बताएंगे कि इसके अंदर जो है वो लाइन इनकी कहाँ कहाँ गई हुई है। तो पहले हम यहाँ से एस्मेटिक को ऑन कर लेते हैं फ्रेंड, और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो स्मैटिक है वो ऑन हो चुका है। अभी हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो लाइट में यहाँ से हम ऑफ़ कर देते हैं, और ऑफ़ करने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा वीडियो जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लीन दिख रहा होगा। तो अभी हम यहाँ पे सिंपली हार्डवेयर सोल्यूशन पर चलते हैं, और हमारा जो मॉडल है वो Xiaomi का है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, और ये MI का नोट 5 सेट है। ठीक है, तो बट स्मैटिक के अंदर जो है फ्रेंड हमको देखना है कि नोट 5, ये देखो यहाँ पे रेडमी 5 रोज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको सिंपली जो है आपको एक बार
ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी सिम कार्ड की आ रही है, तो हम सिम कार्ड वाले सेक्शन को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फ्रेंड। ये हमारा जो है वो स्मैटिक ऑन हो रहा है, मतलब इसका जो सिम का कनेक्शन है वो ऑन हो रहा है। तो सॉरी, यहाँ पे ये रेडमी 5 का ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे देखो, ये रेडमी 5 प्लस जो है फ्रेंड, इसको ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे सिम कार्ड का इसको हम ओपन कर देते हैं और यहाँ पे जो रेडमी 5 रोजी है इसको हम यहाँ से काट देते हैं फ्रेंड। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे ये अभी ओपन हो चुका है, अब इसको हम जो है वो बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा सिम का कनेक्शन है सारा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसको हम थोड़ा सा और जूम करते हैं। जूम करने के बाद यहाँ पे हमारी लाइन बन रही है, ये देखो, ये सिम ट्रे हमारा। ठीक है, और इसके अंदर लाइन हमारी बन रही है, ये देख सकते हो। वी रेज लाइन हमारी, ये फर्स्ट वाली पिन है हमारी यहाँ पे, और ये सिम टू की लाइन है। तो ये वी रेज की L15 यहाँ पे है, जो कि सिम टू की लाइन है यहाँ पे, ये 1। और यहाँ पे ये दूसरा जो लाइन है हमारा यहाँ पे, ये जो हमारी दूसरी लाइन है, ये हमारा रिसेट लाइन है सिम टू का। और यहाँ पे जो ये तीसरा पॉइंट है वो हमारा है यहाँ पे, ये क्लॉक लाइन है सीएल के यहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे जो चौथा ये पीला कलर वाला है, ये हमारा डाटा लाइन है। ठीक है, तो इन सभी की जो कनेक्टिविटी है वो अलमेन के पिन पे आ रही है। ये दोनों हमारा एनसी है, मतलब नो सिग्नल नो कनेक्टिविटी, या फिर एक हमारा ग्राउंड होगा इसके अंदर और एक हमारा नो, मतलब कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होगी, फॉल्स होगा हमारा। ठीक है, और यहाँ से जो है इसके अंदर जीआर वैल्यू के ऊपर यहाँ पे हम रीडिंग को चेक करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी जीआर की वैल्यू पर हम चेक करेंगे सिम 1 और सिम 2 के ऊपर। दोनों कनेक्शन बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो दोनों में जिस तरीके से मैनुअली चेक करते हैं उस तरीके से इस वाले को भी चेक करना है। ठीक है, तो पहले हम जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम अपने मदरबोर्ड पर आते हैं और यहाँ से जीआर की वैल्यू जो 1, 2, 3 और ये 4 पॉइंट है हमारे यहाँ पे, चारों पे हम अपने जीआर वैल्यू पे चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कितनी रीडिंग हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है फ्रेंड। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं और ये इन चारों पे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ना ही हमारा सिम 1 काम कर रहा है ना ही हमारा सिम 2 काम कर रहा है, मतलब दोनों पे कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो खैर हम चलते हैं अभी मोबाइल के ऊपर। मोबाइल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कनेक्शन। यहाँ से लाइट हम ओपन कर देते हैं फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइट ओपन कर दिया है, यहाँ से थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं और यहाँ से जो है अपना मल्टीमीटर को सिंपली हमको बीप मोड पे यहाँ पे सेट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बीप मोड पे अपने मल्टीमीटर को सेट कर दिया है और इसको फ्रेंड हम यहाँ पे इनकी जो रीडिंग होती है उनको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि जो हमारी पिन है वहाँ पे हमारी रीडिंग आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे देखो ये साइड मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड। देखो, यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट हो रही थी, ऊपर से लाइन स्टार्ट हो रही थी, तो ये दो लाइन यहाँ पे नहीं दिखा रहा था। तो ये देखो, ये हमारा ग्राउंड है, ये देखो, ये ग्राउंड लाइन है हमारी और यहाँ पे ये जो लाइन है वो हमारी एनसी है। कोई भी इसके अंदर कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी लाइन है ये हमारी डाटा की लाइन है। तो यहाँ पे हम अगर चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो जीआर वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारी क्लॉक लाइन है जस्ट ये ऊपर में यहाँ पे, ये लाइन, तो इसको भी हम चिमटे की मदद से जो है वो करेंगे चेक, क्योंकि जो हमारा मल्टीमीटर का प्रॉप है वो इसके अंदर नहीं जाएगा, ग्राउंड में टच हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये ग्राउंड टच हो रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे भी देख सकते हो ये जीआर वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हो फ्रेंड। सॉरी, यहाँ पे ये ग्राउंड में टच हो रहा है। देखो अभी फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे जीआर वैल्यू यहाँ पे ये शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये क्लॉक लाइन है वो भी ओके है। अभी हम रिसेट लाइन को चेक करेंगे, तो ये है हमारा रिसेट लाइन है, तो इसको हम यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो देखो फ्रेंड ये भी हमारा ओके आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी वी रेज की लाइन है, ये हमारी वी रेज की लाइन है जो कि हमारे ये भी सीपीयू के अंदर से आती है हमारी लाइन, तो इसको भी हम चेक करेंगे। देखो फ्रेंड, आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा, ये चिमटे की मदद से मैं ये वाला रेट को मैंने ग्राउंड किया हुआ है यहाँ पे और इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे जो रीडिंग है तो इसको हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं और ये पिन को इस तरीके से अंदर में भी हम इसको जो है वो पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो, ये हमारी जो वी रेज की लाइन है, वी रेज की लाइन हमारी, इसके अंदर कुछ भी रीडिंग देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जीआर वैल्यू कुछ भी शो नहीं हो रहा है, जो कि हम इसके अंदर से इसको चेक कर रहे हैं। देखो, ऐसे ये ग्राउंड है, जस्ट नीचे अगर हम चेक कर रहे तो यहाँ पे कुछ भी जो है रीडिंग हमको देखने को नहीं मिल रहा है। सॉरी, ग्राउंड में टच हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी रीडिंग नहीं आ रही है फ्रेंड। ठीक है, तो इसी तरीके से सिंपली हम यहाँ पे भी पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दोनों सिम कार्ड वर्क नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड है जो कि हमारी जो बीप आ रही है मोड, और उसके जस्ट वैल्यू ये हमारी एनसी पॉइंट है, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये फॉल्स है। ठीक है, और उसके बाद ये जस्ट हमारा डाटा का लाइन है इसके नीचे वाला, तो ये देखो डाटा का लाइन में हमारी रीडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है।
और इसके ऊपर वाली जो लाइन है हमारी वो हमारा क्लॉक लाइन है, तो इसको भी हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड इस पे भी रीडिंग हमारी आ रही है, ओके है। और इसके बाद रिसेट लाइन को हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो देखो रिसेट लाइन भी हमारी ओके आ रही है। उसके बाद यहाँ पे ये फिर से हमारी वी रेज लाइन है, तो इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे जो है इस पे रीडिंग देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब शायद आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार आपको सही से दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये वी रेज की लाइन है, देखो इस पे कोई भी रीडिंग देखने को नहीं मिल रहा है फ्रेंड, ठीक है। मतलब इन दोनों के अंदर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये है हमारा सीम वन और ये हमारा सीम टू लाइन है, दोनों के अंदर वी रेज की जो लाइन है वो हमारी मिसिंग है फ्रेंड। देख सकते हो ये दोनों लाइन हमारी मिसिंग है, ठीक है, और इसी के वजह से दोनों में हमारी सीम कार्ड वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। तो अभी इसको हम एस्मेटिक के थ्रू देखेंगे, इसकी जो लाइन है यहाँ से कहाँ से ये आउटपुट हमारे सीम ट्रे के पास आ रही है उसको एक बार चेक करेंगे। इसके लिए फिर से हम एस्मेटिक के ऊपर चलेंगे, फिर से एक बार आ चुके हैं और यहाँ से हम लाइट को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मैं इसको देखो, ये हमारी लाइन है, शायद आपको सही से दिखने अब दिख रहा होगा फिलहाल, ठीक है। देखो ये हमारी वीरेज की लाइन है, देखो ये हमारी वीरेज की लाइन है, इस पर कुछ भी जीआर वैल्यू शो नहीं हो रही है। और ये एक यहाँ पे रजिस्टर के थ्रू, शायद यहाँ पे ब्लड हो रहा होगा आपको, देखो ये रजिस्टर के थ्रू एक कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर में यहाँ पर लगा हुआ है। और ये हमारे सीम टू कनेक्शन है वीरेज L50, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे 15, यहाँ पे जो है L15, तो इसको सॉरी यहाँ से मैं काट देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है वो इस तरीके से यहाँ पे हमारी जो है वो इस तरीके से लाइन यहाँ पे हमारी जा रही है, और जाने के बाद सिंपली इस तरीके से जा रही है यहाँ पे इस तरीके से। और देखो ये हमारा वी रेज L50 और ये सीम टू की लाइन है, और ये जो है ये हमारा यहाँ पे क्रिस्टल लगा हुआ है यहाँ पे, और जस्ट यहाँ पे ये जो है वो जा रही है हमारे पावर सेक्शन के अंदर, जो कि हमारा PMI 8953 IC है, ठीक है। तो ये इस पावर सेक्शन के अंदर जा रहा है। इसके साथ में इनके बाहर में कोई भी कैपेसिटर या फिर कोई रजिस्टर जुड़ा हुआ नहीं है फ्रेंड, ठीक है। जो सीम टू का जो कनेक्शन है हमारा, ये डायरेक्टली हमारे सीम ट्रे के ऊपर आ रहा है, और डायरेक्टली हमारा जो लाइन है वो इस पावर सेक्शन से आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से हमारी आउटपुट लाइन हो रही है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा ये वी रेज L14 यहाँ पे देख सकते हो, सीम वन के लिए ये लाइन हमारी मिसिंग है, बट यहाँ पे ये जो लाइन आउटपुट यहाँ से हो रही है वो एक कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पे आ रही है, जैसा कि देख सकते हो आप। और उसके बाद इस कैपेसिटर के थ्रू फ्रेंड यहाँ पे आउटपुट और हम चेक करते हैं आगे जाने के बाद। तो देखो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक रजिस्टर्ड, एक कैपेसिटर और एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे, इस पॉइंट के थ्रू हमारा जो लाइन है, देखो इसको हम थोड़ा और नीचे करते हैं, देखो ये वी रेज की लाइन हमारी इस वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आ रही है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे भी हमको रीडिंग देखने को नहीं मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने फिर से क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर भी जो रीडिंग देखने को नहीं मिल रहा है, और हमारा जो ये लाइन है यहाँ पर भी रीडिंग देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब दोनों जो हमारा वी रेज का लाइन है वो मिस है, ठीक है। तो अभी फ्रेंड हम क्या करेंगे, इसकी जो ये सीम टू का वीरेज का लाइन है, जो हमारा L15 है, ये डायरेक्टली हमारे पावर सेक्शन के अंदर जा रही है, ठीक है। और ये वाला जो है वो हमारे एक कैपेसिटर रजिस्टर के थ्रू हमारे पावर सेक्शन को जाके मिल रही है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे है, पहले हम अपने मेन मदरबोर्ड के ऊपर चेक करेंगे कि यहाँ पे कुछ रीडिंग शो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर यहाँ पे रीडिंग शो होती है तो यहाँ से जंपर लेके जो है हम डायरेक्टली ये सीम वन वाला जो वीरेज की लाइन है यहाँ पे जंपर कर देंगे, तो हमारा जो सीम कार्ड है वो वर्किंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिलहाल हम क्या करते हैं फ्रेंड, पहले यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर जो कैपेसिटर रजिस्टर के थ्रू जो लाइन हमारी पावर सेक्शन से मिल रही है उसको एक बार हम अपने मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं मेन मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो हम अभी क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं अपने मेन मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ से हम लाइट ओपन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आने के बाद फ्रेंड यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आप। तो देखो यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन जो मिल रहा था हमारी वी रेज L14 का, तो देखो यहाँ पे ये हमारा लाइन है, ये देख सकते हो ये हमारा पॉइंट है, और यहाँ पे ये रजिस्टर और कैपेसिटर हमारा फिल्टर में लगा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे इस रजिस्टर पे चेक कर लेते हैं रीडिंग। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड यहाँ पे वी रेज की लाइन जो है वो हमारी सीम वन के लिए यहाँ पे मिल रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो रीडिंग यहाँ पे हमारी आ रही है, और इस वाले पॉइंट पे भी चेक करते तो रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रेंड हमारा जो ये लाइन है यहाँ से
यहाँ से मिसिंग है, ठीक है। यहाँ से अगर जंपर हम लेके डायरेक्टली इस वाले पॉइंट पे लगा देते हैं तो हमारा जो सीम वन है वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो मसला हमारा यहाँ पे ये वन वाला जो है हमारा कनेक्शन, इसकी जो रीडिंग है वो डायरेक्ट हमारे पावर सेक्शन के अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो हमारे इस रजिस्टर के थ्रू, यहाँ पे कैपेसिटर है इसके थ्रू डायरेक्टली हमारे जो है वो इस साइड में यहाँ पे हमारा ये पावर सेक्शन है इस वाले इसके अंदर। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, देखो इसके अंदर जाके यहाँ से जो है दोनों वीरेज की लाइन हमारी आउट हो रही है, देखो यहाँ पे, ठीक है, इस वाले आईसी के अंदर से। तो इस वाले ये जो वीरेज का लाइन है हमारा सीम टू का ये पॉइंट, ये हमारे इस रजिस्टर पे कैपेसिटर पे आना चाहिए। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे रीडिंग हमारी आती है तो ओके है, नहीं आती है तो हम जो है वो आगे की लाइन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम रजिस्टर पे चेक करते हैं तो देखो फ्रेंड यहाँ पे रीडिंग देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही इस कैपेसिटर पे कोई रीडिंग आ रही है, देखो यहाँ पे ना ही कोई कैपेसिटर पे रीडिंग आ रही है, ना ही ये हमारी जो रजिस्टर लगा उस पर भी रीडिंग यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है फ्रेंड, देख सकते हो यहाँ पे आप। और अगर इसकी कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ, तो अभी आप देखो यहाँ पे, देखो ये कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ मिल रही है, मतलब इनकी पिन की कनेक्टिविटी यहाँ आ रही है और यहाँ के बाद डायरेक्टली जो है वो इस आईसी के अंदर हमारा जो एस्मेटिक दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड अभी बात ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ से तो इसके अंदर मैंने देख लिया कि इनकी कनेक्शन इसके अंदर आ रही है, और इसके अंदर कहाँ से कनेक्शन आ रही है, इनके अंदर जो कनेक्शन जुड़ी हुई है आईसी की दोनों वीरेज की लाइन, तो वो वीरेज की लाइन इस आईसी के अंदर से ही डायरेक्टली जाती है या फिर हमारे सीपीयू वगैरह से लाइन आती है, तो उसको भी कन्फर्म करना फ्रेंड। तो इसको कन्फर्म करने के लिए फिर से हम चलते हैं अपने स्मैटिक के ऊपर, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो कम्प्लीट देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट इसके अंदर हम पूरी तरीके से इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी आप आ चुके हैं और इसको हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। देखो फ्रेंड यहाँ पे तो ये दोनों वीरेज की लाइन यहाँ पे इस आईसी के अंदर है और इसके बाद कहाँ जा रही है वो इसके अंदर शो नहीं हो पा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये देखो ये वीरेज की लाइन हमारा 15 और यहाँ पे 14 दोनों है। तो इसके लिए अभी हम चलते हैं बैक और हम आ जाते हैं इस पर, चलेंगे बीट मैप के ऊपर हम चलेंगे यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ से अपना जो बीट मैप है वो सेक्शन को ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी ये बीट मैप है, नीचे देख सकते हो आप। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे Xiaomi का मॉडल है, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो हमारा Redmi का है, Redmi का जो हमारा 5 प्लस है उसको हम ऑन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे Redmi 5 प्लस कहाँ पे है वो हम चेक कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे Redmi 5 प्लस हमारे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड यहाँ पे साइड में और यहाँ पे बीट मैप पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीट मैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा बीट मैप ओपन हो रहा है और इसके अंदर हम चेक करेंगे कि इसके अंदर जो वीरेज की लाइन पावर के अंदर दिखा रहा था हमारा डायरेक्टली ये इस वाले स्मैटिक में जो लाइन हमारी जहाँ से चेक होती है, तो वो हमारी डायरेक्ट पावर एसी के अंदर दिखा रहा है इस वाले के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से जुड़ रहा है उसको चेक करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे जूम कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, ठीक है, ये बड़ा हो चुका है। अभी हम फ्रेंड यहाँ पे चेक करेंगे, देखो ये हमारा सीम ट्रे है जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे ये हमारा एक रजिस्टर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा कैप लगा हुआ कैपेसिटर, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका जो कलर है वो आप देख सकते हो चेंज हो चुका है यहाँ पे और ये कहाँ कहाँ कनेक्शन जा रही है वो अभी हमको बताने वाला है, ठीक है। तो इसको हम अगर जूम करते हैं यहाँ से, देखो यहाँ से मैंने जूम किया इसको, तो देखो ये कलर चेंज हो चुका है यहाँ पे, इनका कलर ऐसा हो चुका है, यहाँ पे देखो कलर भी शो हो रहा है पीसीबी कलर, ठीक है। तो उसके बाद हम डायरेक्टली पावर आईसी के अंदर आते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर पावर आईसी के अंदर आते हैं, देखो यहाँ पे ये इसका पॉइंट दिखा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे ये पॉइंट इसके अंदर दिखा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे स्मैटिक के अंदर एक और सेक्शन है हमारा, उसको हम चेक करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा ये लाइन दिखा रहा है, यहाँ पे बुंदा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे सीपीयू में चलते, तो देखो यहाँ पे एक सीपीयू में भी कनेक्टिविटी आ रही है, उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर में भी कनेक्टिविटी हमारी आ रही है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड। देखो देखो यहाँ पे इस कैपेसिटर पे भी आ रहा है हमारा कनेक्शन और यहाँ पे भी आ रहा है हमारा कनेक्शन, ठीक है। सीपीयू पे भी आ रहा है, पावर में भी जा रहा है। देखो फ्रेंड इसमें मैंने चेक किया तो इसके अंदर डायरेक्टली ये आईसी के अंदर दिखा रहा है, इसके बाद कहाँ जा रहा है वहाँ पता नहीं चल रहा है और बीट मैप के अंदर ये बता रहा है कि और भी इसकी लाइन आगे कहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड इसके अंदर एक ऑप्शन है यहाँ पे रेड लाइंस, यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड ये एक ऑप्शन है यहाँ पे स्मैटिक के अंदर, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे तो सिर्फ बुंदा दिखा रहा है इस तरीके का, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, बट इस पे जैसे ही हम इसको यहाँ पे ऑफ है, इसको हम जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये लाइनिंग बन के आ गया। देख सकते हो यहाँ पे लाइनिंग आ चुकी है, तो इससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको फ्रेंड। देखो यहाँ पर ये लाइनिंग बन के आ चुका है हमारा। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड, ये हमारा कनेक्शन है हमारा VRH का सिम टू का कनेक्शन, और यहाँ पर कैपेसिटर रजिस्टर्ड पर आ रहा है ये लाइन, और आने के बाद यहाँ पर देखो ये हमारा इस वाले कैपेसिटर पे ऊपर आ रहा है, और सीपीयू से यहाँ पे कनेक्टिविटी है, और उसके बाद जो लाइन हमारी जा रही है वो लाइन हमारी जा रही है इसके अंदर डायरेक्टली हमारे ये पावर सेक्शन के अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो देखो फ्रेंड इसके अंदर ये चीज़ तो पता चल गया यहाँ पे कि इसके अंदर जो है वोल्टेज जो है हमारा रीडिंग जो है, एक हमको जो सीम टू का जो लाइन था, सॉरी सीम वन का जो लाइन था वो यहाँ पे हमको देखने को मिल चुका था, बट हमारा जो VRS जो L15 है, मतलब ये हमारा जो सीम टू है, ये इसका जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है जो हमारा कौन सा बन रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये हमारा जो ये 15 वाला जो है हमारा यहाँ पे L15 जो यहाँ पे शो हो रहा है आपको, ये लाइन हमारी डायरेक्टली पावर सेक्शन में दिखा रहा था, उसके बाद कहीं पे कोई भी कैपेसिटर पे नहीं दिखा रहा था, बट इसके अंदर बीट मैप में जाने के बाद यहाँ पे इस वाले कैपेसिटर पे जो है वो हमको रीडिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे, मतलब पॉइंट पे यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी मदरबोर्ड पे यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे चेक करेंगे, यहाँ पे दो कैप लगा हुआ है, यहाँ पे चेक करेंगे, अगर यहाँ पे रीडिंग हमको देखने को मिलता है तो यहाँ से एक जंपर लेके डायरेक्टली जो है फ्रेंड हम जो है वो डायरेक्टली इस वाले यहाँ पे, मैं चलता हूँ एक सेकंड, यहाँ पे माता हूँ सेम ट्रे के ऊपर, यहाँ पे इस रजिस्टर पे जंपर कर देंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है सीम टू की वो ओके हो जाएगी। अब बात रही यहाँ तक सीम टू की, सॉरी हाँ सीम वन की, तो वो सीम वन का जो कनेक्शन है वो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से कनेक्शन लेने के बाद देखो ये सीम टू का कनेक्शन हमारा, और इसको भी अगर यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं तो देखो इसका भी कनेक्शन अगर चेक कर लेते हो फ्रेंड, यहाँ पे देखो ये अब इस वाले कैपेसिटर पे शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे दो कैप लगा हुआ है, एक हमारा सीम वन पे है और एक हमारा सीम टू पे है, इनकी भी कनेक्टिविटी जो है वो सीपीयू के होके हमारे पावर सेक्शन के अंदर जा रही है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम क्या करते हैं, अब अपने मदरबोर्ड पे चलते हैं मेन मदरबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे इनकी लाइन को चेक करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने मेन मदरबोर्ड के ऊपर, यहाँ से हम लाइट को ओपन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने ओपन कर दिया है और यहाँ पे जो है हम सिंपली मैंने थोड़ा इसको जूम मैंने कर दिया है। तो देखो फ्रेंड अभी हम जो है उसको मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जूम आउट हो गया। देखो यहाँ पे फ्रेंड दो कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे, अब जैसा कि आपने देखा स्मैटिंग में दो कैप है और एक जो हमारा ये ऊपर वाला कैप है, यहाँ पे रीडिंग चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे रीडिंग देखने को मिल रही है, ये हमारा सीम वन का है। ठीक है, जो हमारा VRS 15 का था, सॉरी 14 का था लाइन, देखो यहाँ पे ये देख सकते हो आ रही है, और जस्ट नीचे में हमारा जो है ये लाइन हमारा सीम टू का है। ठीक है, जो कि VRS L15 का था हमारा ये लाइन, ये हमारा 14 का था और ये हमारा 15 का था। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे रीडिंग हमको देखने को मिल रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी जो रीडिंग है वो हमको देखने को मिल रहा है हमारा VRS 15 का L15 का, यहाँ पे देखो लाइन मिल रहा है। तो यहाँ से एक जंपर हम क्या करते हैं ले लेते हैं, और जंपर लेने के बाद यहाँ पे जो रजिस्टर हमारा लगा यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम जंपर करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ये VRS का ये जो लाइन है वो हमारा यहाँ पे रीडिंग जो हमको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे ये VRS का हमारा L15 का ये जो लाइन है वो मिसिंग था, और ये जो हमारा है VRS L14 का लाइन था। ठीक है, इसकी लाइन तो यहाँ पे मिल रही है इस वाले रजिस्टर पे, तो यहाँ से जंपर लेंगे तो काम हो जाएगा, बट इसका डायरेक्टली पावर सेक्शन में दिखाया जा रहा था, बट बीट मैप को चेक करने के बाद इसकी लाइन इस कैप पे आ रही है। ठीक है, तो अभी फ्रेंड मैं आपको क्या करता हूँ, जो सीम वन वाला कनेक्शन था जो कि यहाँ पे आ रही थी, इसको कनेक्टिविटी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे ये आ रही है, मतलब ये ओके लाइन है हमारी, ये हमारा L14 का लाइन है जो कि सीम वन के लिए था। ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ ये लाइन मिसिंग है, तो यहाँ से जंपर कर देंगे तो ये ओके हो जाएगा। अभी बात रही यहाँ पे L15 का VRS का, तो यहाँ से एक जंपर हम लेते हैं सीम टू के लिए और डायरेक्ट यहाँ पे लगा के देख लेते हैं, तो हमारा ये जो एक सीम कार्ड है वो हमारा वर्किंग होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी सीम कार्ड के लिए फ्रेंड ये ट्रे को हमको बाहर निकालना पड़ेगा, माइक्रो जंपर इसके अंदर यहाँ पे पॉइंट पे करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे जंपर करना होगा, तब जाके हमारा ये दूसरी जो वन वाली सीम है वो काम करेगी। फिलहाल ये जो टू वाली सीम कार्ड है इसका कनेक्शन अगर जंपर यहाँ पे हम कर देते हैं इस कैप वाले से लेके, तो हमारा ये सीम टू काम करना लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलो पहले एक जंपर लेके हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, और जो ये सीम टू वर्क नहीं हो रहा है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो सिंपली फ्रेंड यहाँ पे जो है मैंने जंपर कर दिया है, जैसा कि देख सकते हो ये हमारी VRS
जो वी रेज एल्फ हमारी 15 थी लाइन, ये सीम टू का इस वाले पॉइंट पे रीडिंग नहीं आ रही थी, वो मैंने यहाँ से एक स्कैप से लेके जंपर मैंने यहाँ पे कर दिया है। अभी हमारा सीम टू वर्क होना चाहिए क्योंकि सीम वन के लिए ये जो हमारा वी रेज की लाइन है L14 वो अभी मिसिंग है क्योंकि अभी मैंने यहाँ से जंपर नहीं किया है। इस वाले रजिस्टर या कैप से लेके जंपर करेंगे तो इसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वाले वी रेज की लाइन को चेक कर लेते हैं अपने मल्टीमीटर से GR मोड के वैल्यू के ऊपर कि यहाँ पे कुछ रीडिंग देखने को मिला या फिर नहीं मिला, ठीक है। तो इसको हम जो है वो कुछ चिमटे की मदद से एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ये लाइन यहाँ पे जो नहीं आ रही थी वो अभी आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे हमारी जो रीडिंग है वो आ रही है, इस वाले लाइन के ऊपर आ चुकी है फिलहाल, देख सकते हो। तो चलो एक बार इसको हम फटाफट पैक करते हैं और पैक करने के बाद इसके ऊपर जो है हम एक बार सीम कार्ड को लगा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलो पहले इसको जो एक बार चेक कर लेते हैं। तो सिंपली फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है हमारी, देखो फ्रेंड यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे उस टाइम कट का निशान आ रहा था और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो ये सीम कट का नो सर्विस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे नो सर्विस आ रहा है, इसका मैंने नेटवर्क वायर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे हम नेटवर्क वायर को भी लगा देते हैं एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने नेटवर्क वायर को लगा दिया है और लगाने के बाद देखो यहाँ पे ये सिंबल बन के आ चुका है हमारा और देखो यहाँ पे टावर भी हमारा आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो। इसको हम लॉक कर देते हैं और अभी देख सकते हो यहाँ पे एयरटेल भी आ चुका है और ये भी बन के हमारा आ चुका है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में फ्रेंड मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की आपको समझाने के लिए फ्रेंड, ठीक है। मुझे वीडियो पसंद आई, वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोज़ जो है आपके लिए हमेशा लेके आते रहेंगे फ्रेंड। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।